अस्सलाम वालेकुम। टेस्ट द बेस्ट किचन में मेरा सलाम कबूल करें। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मेरे किचन में बन रही है चाट डिफरेंट किस्म की, जिसके लिए मैंने ये हाफ के जी जो है वो मैंने चने लिए हैं और इसको मैंने बॉयल कर लिया है। ये मैंने 4 एप्पल लिए हैं, इनको काट के रख लिया है। ये मैंने 12 जो है बनाना लिए है, इनको मैंने काट के रख लिया है। ये 2 जो है मैंने जो है कैरेट जो है इनको मैंने चॉप करके रख लिया है। ये 3 प्याज है, इनको नमक लगा के तो मैंने इसको अच्छी तरह मल के तो फिर आप धो के रख लिया है। इससे ये जो होते हैं ना इनकी सॉफ्टनेट तो हो जाती है इसके अंदर। ये 3 टोमेटो जो चॉप करके रखे हैं और ये जो साइड पे मैंने रखे हैं ये मैं गार्निश के लिए रखूंगी। ये आलू है, 1 आलू मैंने लिया है लेकिन इसके ऊपर मैंने जो ब्लैक ये ग्रीन चिली डाली हुई है ये मैंने इसी के ऊपर डाल दी है। ये भी 3 ग्रीन चिली मैंने डाली है। तो मैं अब आपको ये चाट बनाऊंगी, बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ही हेल्दी होती है। जो बच्चे ये चीजें नहीं खाते उनको मिक्स करके चीजें दें तो बहुत ही हेल्दी होगी। तो ये सबसे पहले मैं ये चने डालूंगी। ये कैरेट डाल दिए, ये मैंने एप्पल डाले हैं, ये बनाना डाल दिए, ये आलू डाल दिए मैंने, ये मैंने ऑनियन जो है ऑनियन को अगर आप रख लेना नमक लगा के और अच्छा सा मल के थोड़ी देर के रख दें 5 मिनट के लिए, उसके बाद इसको आप मसाला अपने डालें तो बहुत ये देखें कितने सॉफ्ट जो है ना ऑनियन बनते हैं। ये इसके ऊपर मैं ये चाट मसाला डाल दूंगी। ये जो इमली की चटनी है ये मेरी रेसिपी देखिएगा, मैंने उसमें बनाई है, ये मीठी चटनी बनाई है और बहुत अच्छी। बहुत मजे की ये चाट बनेगी। ये आलू बुखारे की चटनी है, ये 1/4 कप ये डाल रही हूँ, ये भी बहुत मजे की होती है। ये देखें कितनी अच्छी ये चाट, जिसको मिक्स कर लें तो बहुत अच्छी ये चाट बनी है। ये देखें और बहुत हेल्दी बहुत ही मजे की चाट है। ये इसमें और न्यूट्रिशन मौजूद है, सेब केला आलू और चने टमाटर प्याज, इसमें सब चीज़ें डाल के ये बच्चों के लिए बहुत से टेस्टी होती है। इसमें फ्रूट भी होते हैं और ये चने भी, और खाएंगे ये बहुत हेल्दी होगी इनके लिए और आप लोग भी बनाइएगा, बहुत मज़े की चाट बनती है। ये देखिए कितनी अच्छी बनी है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये चाट बहुत मज़े की है। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आई तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें और कल के लिए अल्लाह हाफिज़, कल नई डिश लेके आपके सामने आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।